पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मंडल की दूसरी और मुरादाबाद जंक्शन से गुजरने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 12 मार्च को हुआ। ये ट्रेन देहरादून से लखनऊ के बीच चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्टेशन का कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये जानकारी डीआरएम राजकुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि सभी वरिष्ठ अधिकारी 12 मार्च को वंदे भारत के उद्घाटन कार्यक्रम में देहरादून पहुंचेंगे। ट्रेन वहां से सुबह करीब 9 बजे चलेगी और दोपहर 12:30 बजे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। सभी अधिकारी ट्रेन में बैठकर मुरादाबाद आएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 12 मार्च को 85,000 करोड़ रुपए से ऊपर की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। उस कड़ी में मुरादाबाद मंडल में भी बहुत सी परियोजनाएं हैं जिनको राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इनमें एक जीसीटी टर्मिनल, एक गुड शेड, 22 ओएसओपी सेंटर्स, एक जन औषधि केंद्र, 9 डीएफसी स्टेशन और एक वंदे भारत ट्रेन शामिल है। मुरादाबाद में प्रातःकाल 9:30 बजे के आसपास ओएसओपी से रिलेटेड कार्यक्रम रहेंगे और वंदे भारत ट्रेन जब अपने इनॉग्रल रन में करीब 12:45 पे यहाँ पे आएगी उससे संबंधित कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए, हम लोग अपनी तरफ से इनॉग्रल रन में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो समाज के और डिफरेंट स्ट्राटा के लोग हैं, वो सब लोग इस ट्रेन की एक फील लें, इसकी फैसिलिटीज़ को महसूस करें और उसी उद्देश्य से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसमें जो भी हमारा इनॉग्रल रन है उसमें कोई टिकट का प्राइस नहीं होता है, तो वो टिकट एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट की तरह होगा जिसके थ्रू वो ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन ये सीट की अवेलेबिलिटी के आधार पर ही हम कर सकेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।